भारत में चावल की 6000 से भी ज्यादा वेराइटीज पाई जाती हैं। आज के एपिसोड में हम उसमें से पांच सबसे कॉमन वेराइटीज को प्रेशर कुकर के बनाएंगे अपने बोरोसिल प्रोंटो प्रेशर कुकर में, और ये बहुत ही परफेक्ट बनने वाली है। हेलो गाइस, फूड फॉर फूडीज में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋतिका और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 4 1-pot रेसिपीज और साथ में एक किचन टिप भी है, उसको मैं रेसिपी कंसिडर नहीं करूँगी। आज की रेसिपीज की खास बात ये है कि हमने सभी में डिफरेंट वेराइटी ऑफ राइस यूज़ किया है, यानी सब में जो चावल इस्तेमाल हुआ है वो बिल्कुल अलग अलग है, और सभी को हमने प्रेशर कुक करके बनाया है अपने बोरोसिल प्रोंटो प्रेशर कुकर में, जो मैंने रिसेंटली परचेज किया है बोरोसिल की वेबसाइट से। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। बोरोसिल की वेबसाइट पर मुझे स्टेनलेस स्टील एंड एल्युमिनियम प्रेशर कुकर की पूरी रेंज देखने के लिए मिली, और वहाँ पर रिव्यूज भी मिले जिन्होंने मुझे सिलेक्शन में बहुत हेल्प करी। और जो मेरा प्रोंटो प्रेशर कुकर है उसकी खास बात यह है कि ये है एंटी बल्ज, यानी कि ये डी शेप नहीं होता है, और ये आता है 5 साल की वारंटी के साथ में। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि आप इसको गैस और इंडक्शन दोनों पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत हम करने वाले हैं ब्राउन राइस को प्रेशर कुकर में कुक करके, जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, उसकी अच्छी रेसिपीज कैसे बनाएं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो आज सबसे पहली रेसिपी हमारी होने वाली है ब्राउन राइस से, और अब देरी नहीं करते हैं, जल्दी से एपिसोड शुरू करते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं चाइनीज पुलाव। और आज हम चाइनीज पुलाव बनाने के लिए यूज कर रहे हैं ब्राउन राइस। तो यहाँ मैंने लिए हैं 1 कप ब्राउन राइस। इसे हम सबसे पहले अच्छे से वॉश करेंगे, थोड़ा सा हाथ से मसल के वॉश करना बहुत जरूरी है, और उसके बाद हम इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो देंगे। आज हम ब्राउन राइस बनाने वाले हैं अपने प्रोंटो प्रेशर कुकर में। ये एक 1-pot रेसिपी है और बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ हमारे ब्राउन राइस अच्छे से 1 घंटे के लिए भीग रहे हैं। मीनवाइल मैंने सारी सब्जियां चॉप कर ली हैं, और यहाँ भी मैंने लिया है बोरोसिल का प्रोंटो प्रेशर कुकर, और उसमें डाला है 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। साथ में हमने इसमें डाला है 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन को हल्का सा पकाएंगे, और इसके साथ में प्याज भी डाल देंगे। प्याज को भी हमें हल्का सा ही सॉटे करना है। यहाँ पे मैंने लाल पीली और हरी शिमला मिर्च ली है, गाजर ली है, आप अपनी पसंद की और भी सब्जियां जैसे कि बीन्स, कॉलीफ्लावर या कैबेज यानी पत्ता गोभी और फूल गोभी भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें सॉसेस डालेंगे। तो यहाँ 1 चम्मच सोया सॉस डाली है, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस डाली है, 1 चम्मच जा रहा है इसमें टोमेटो केचप, और साथ में हम इसमें 1 चम्मच सिरका डालेंगे। अब ये हमारा चाइनीज पुलाव होने वाला है, तो इसमें हमारे इंडियन वाले मसाले नहीं रहेंगे, सिर्फ ये 4 तरह की सॉसेस रहेंगी इंक्लूडिंग विनेगर। ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ रहा है, उसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही थी। तो ये हमारा बेसिक मसाला तैयार है, और यहाँ पे मैंने ब्राउन राइस को अच्छे से छान लिया है, और इसे भी हम प्रेशर कुकर में ही ऐड कर देंगे। ये राइस बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। अब हम ब्राउन राइस को थोड़ा सा भून लेंगे सब्जियों के साथ में। भीगने के बाद ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए बहुत ही हल्के से चलाइएगा। यहाँ पे मैंने डाला है 2 कप पानी। 1 कप हमने चावल लिया था, उसमें तकरीबन 2 कप पानी लग जाएगा, और सारी सब्जियां ऐसी हैं जिसे पकने के लिए पानी नहीं चाहिए, जैसे आलू वगैरह होता है तो पानी थोड़ा बहुत ज्यादा कम चाहिए होता है। अब यहाँ पे डाल देते हैं मसाले। इसमें जा रहा है नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, आप यहाँ पे नमक टेस्ट भी कर सकते हैं। हमारे प्रोंटो प्रेशर कुकर की ग्रिप बहुत अच्छी है, इसका हैंडल बेकेलाइट से बना है जिसकी वजह से बिल्कुल गर्म नहीं होता। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं लिड और इसको 2-3 सीटी तक पकने देते हैं। प्रेशर को अपने आप रिलीज होने दीजिएगा, उसके बाद ही निकालिएगा। तो यहाँ पे प्रेशर अच्छे से रिलीज हो गया है, और अब हम खोल के देखते हैं कि चावल ठीक से पके हैं या नहीं। एंड गाइज लुक एट इट, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा वाटर नहीं है, चावल जो है चिपचिपे नहीं है, जिसमें कि आपने बहुत ही कम ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। एकदम खिले खिले बने हैं हमारे बढ़िया सा चाइनीज पुलाव राइस, और इसको हम अब झटपट सर्व करते हैं। दिस पुलाव इज रियली फाइबर रिच एंड वेरी हेल्दी, और बहुत अच्छा लगता है गरम गरम खाने में, और जब सर्दियों वाली और सब्जी आएंगी तब तो बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। आपको कैसी लगी रेसिपी मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। और अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो है परफेक्ट मटर पुलाव, जो सारी सब्जियां जैसे कि छोले राजमा सब के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो इसे हम बनाने वाले हैं बासमती राइस से। तो यहाँ मैं यूज कर रही हूँ लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस। ये देखिए बासमती राइस सेलेक्ट करते समय याद रखिए कि वो थोड़ा एज्ड होना चाहिए, यानी पुराना चावल होना चाहिए, उसकी खुशबू बहुत अच्छी नहीं चाहिए, और लॉन्ग ग्रेन तो होना ही चाहिए। इसे भी हम धो के भीगने रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। इतने हम प्रेशर कुकर गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। साथ में हम डालेंगे इसमें सिर्फ 4 खड़े मसाले, जिसमें जा रही है 1 बड़ी इलायची, जीरा, दालचीनी और तेज पत्ता। यहाँ पे मैंने मटर भी ऐड कर दी है, क्योंकि मटर को भी मसालों के साथ में हल्का सा भून लेना चाहिए। और बासमती चावल को हमने छान के अब इसमें ऐड कर दिया है। चावल को हम बिल्कुल हल्के से चलाते हुए 1 मिनट तक भूनेंगे,
चावल को बिल्कुल हल्के इसलिए चलाना है ताकि चावल टूटे नहीं। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1.5 कप पानी यानी 1.5 कप। इससे क्या होगा, चावल आपका बिल्कुल खिला खिला बनेगा, पसीजेगा नहीं, उसमें पानी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमने 1.5 कप पानी डाला है 1 कप चावल में। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, जैसे बहुत से लोगों को सूखा खाना पसंद होता है तब भी अच्छा लगता है। प्रोंटो प्रेशर कुकर आता है प्रेशर लॉक सेफ्टी लिड के साथ में, साथ ही सेफ्टी वॉल के साथ में फॉर मोर सेफ्टी, और इसकी गैस्केट भी बहुत ड्यूरेबल है। हमें बासमती चावल को सिर्फ 1 सीटी के लिए पकाना है और थोड़ी देर के लिए इसको आप सिम पे रख दीजिए लगभग 2-3 मिनट के लिए, और प्रेशर को अपने आप रिलीज होने दीजिए। उसके बाद में आप खोलेंगे तो एक एक चावल खिला हुआ परफेक्टली पका हुआ मिलेगा। लुक एट इट गाइस। मीनवाइल मैंने थोड़े से पनीर और काजू कर लिए थे फ्राई, जो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे पनीर और काजू ऐड कर दिए हैं, और जो हमारा पुलाव है ये एकदम रेस्टोरेंट वाला पुलाव बन के तैयार हुआ है। इनफैक्ट रेस्टोरेंट वाला भी नहीं, जो शादियों में पुलाव होता है ना वो वाला। अब इसके लिड हम एक बार फिर से बंद कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही रहने देंगे। इससे जो हमारा पुलाव है उसका टेक्सचर और भी बढ़िया हो जाएगा, एकदम ही खिला खिला। तो आइए अब फटाफट पुलाव को सर्व करते हैं। वेल, आपको मटर पुलाव कैसे खाना पसंद है? मुझे पर्सनली छोले के साथ में मटर पुलाव बहुत अच्छा लगता है, या फिर कोई बढ़िया सी पनीर की सब्जी हो उसके साथ भी। आपको किसके साथ पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। बेहतरीन मटर पुलाव तैयार है। तो आइए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, और इसमें हम बनाने वाले हैं 1 पॉट बिरयानी यूजिंग गोल्डन सेला। गोल्डन सेला चावल थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन दिखता है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये चावल जनरली हलवाई वगैरह मंगवाते हैं क्योंकि ये बन बहुत जल्दी से जाता है, फैलता बहुत ज़्यादा है, मतलब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है पकने के बाद, और इसको बहुत ज़्यादा आप खा नहीं सकते, थोड़ा ही खाया जाता है, तो पार्टीज में अक्सर ये बनता है। तो इसको भी हम 15 से 20 मिनट के लिए भीगने रख देंगे। मीनवाइल हम अपनी बिरयानी की तैयारी करते रहेंगे। बिरयानी की तैयारी में थोड़ी सी सब्जियां चॉप करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है, और थोड़े से प्याज काटने हैं। तो यहाँ मैंने लिया है प्रोंटो प्रेशर कुकर और उसमें डाला 1 चम्मच देसी घी, और ये है प्याज के लच्छे। थोड़ा सा जब तक कैरमलाइज अनियन ना हो तब तक बिरयानी में वो टेस्ट आता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम घी में प्याज को फ्राई करेंगे। यहाँ पे हम इंडक्शन को बिल्कुल धीमा कर देंगे ताकि वो धीमे धीमे पकता रहे, और प्याज हल्के से हो जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का कद्दूकस किया हुआ उनसे पेस्ट, कोर्स पेस्ट, और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए यहाँ पे प्याज जो है थोड़ा थोड़ा कैरमलाइज हो गया है, ब्राउन हो गया है, और अब बारी है इसमें बाकी सब्जियाँ डालने की। इसमें ना 2 हरी मिर्च भी मैंने डाली थी, बहुत ही तीखी आ रही है आजकल, बहुत अच्छी लगती है। सब्जियों में है गोभी, गाजर और बीन्स, और इनके बड़े बड़े टुकड़े डाले हैं ताकि बहुत ज्यादा गले नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे इसमें देगी मिर्च और डालेंगे नमक। नमक थोड़ा सा और भी डाला था बाद में। जरा सा जा रहा है इसमें गरम मसाला, और इसमें 1.5 से 2 चम्मच में डाल रही हूँ बिरयानी मसाला, क्योंकि इसमें जो मेन टेस्ट है वो बिरयानी मसाले का ही आने वाला है। बिल्कुल जरा सी हल्दी कलर के लिए और कसूरी मेथी। इन सभी चीजों को हम सब्जियों के साथ में अच्छे से भून लेंगे। हमारी प्रोंटो प्रेशर कुकर में हीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है जिससे हमारी जो कुकिंग है वो फास्टर होती है, बिरयानी भी हमारी झटपट बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दही डाला है क्योंकि दही डालने से एकदम मॉइस्चर रहता है बिरयानी के अंदर। तो हम यहाँ दही को भी अच्छे से भून लेते हैं सब्जियों के साथ में, बहुत ही बढ़िया एकदम खुशबू आ रही थी। और अब बारी है इसमें चावल की लेयर डालने की। चावल को हमने सिंपली से ड्रेन करके डाल दिया है, सब्जियों के साथ में अच्छे से मिला दिया है। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे लगभग 1.5 कप, क्योंकि हमने यहाँ पे 1/2 कप दही भी डाला हुआ है इसलिए पानी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे नमक ज़रूर से चेक कर लीजिए, मैंने भी चेक किया था तो थोड़ा सा मुझे कम लगा, तो यहाँ हमने नमक ऐड कर दिया है और इसे मिक्स कर देते हैं। गाइस, इस समय बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही थी पूरे पूरे किचन में, ऐसा लग रहा था बस जल्दी से बिरयानी मिल ही जाए। तो अब हम इसे 1 सीटी के लिए पकाएंगे। सेला चावल पार्बोइलराइज होता है यानी वो पहले से भी बॉइल्ड होता है, उसके बाद में सूखा हुआ होता है, इसलिए इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 1 सीटी लगेगी और बिरयानी रेडी हो जाएगी। सारी सब्जियों में भी बिल्कुल एडिक्वेट गंज है, बहुत ही अच्छी बनी है हमारी बिरयानी। तो आइए फटाफट से इसे सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बिरयानी को भी थोड़ी देर के लिए पहले खोला था फिर बंद करके रख दिया था, इससे चावल का टेक्स्चर इम्प्रूव हो जाता है और हमारी बिरयानी एकदम रेडी है। कैसी लगी बताइएगा। और अगली रेसिपी बिरयानी के बाद सीधे हम चलते हैं खिचड़ी पे। खिचड़ी बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ मिनी मोगरा। ये बिल्कुल छोटा छोटा चावल होता है, ये देखिए, ये फिरनी बनाने के लिए भी बहुत काम आता है, इसकी फिरनी भी बहुत अच्छी बनती है। तो मिनी मोगरा मैंने लिया है 1 कप, और साथ में मैंने डाली है 1/2 कप मूंग धुली। इन दोनों चीजों को हम अच्छे से पहले वॉश करेंगे और उसके बाद में धो के रख देंगे।
खिचड़ी आपकी जितनी ज्यादा देर भीगी होगी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने इसे तकरीबन 30 मिनट के लिए भीगने रख दिया था। अब हम प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। खिचड़ी का मजा घी के साथ में है, और कम इसलिए डाला है क्योंकि हम बाद में ज्यादा डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है जीरा, काली मिर्च और लौंग। हमारी जो खिचड़ी बनने वाली है वो पोंगल स्टाइल में बनने वाली है आज। तो यहाँ पे मैंने कद्दूकस किया हुआ अदरक लिया है, 2 हरी मिर्ची ली है। हरी मिर्च मैंने बिना चीरे और बिना काटे डाली है क्योंकि आजकल बहुत तीखी आ रही है, तो जिसको चाहिए होती है बस वही ले सकता है, अदरवाइज ये बहुत तीखा कर देती है पूरे चावल को। तो यहाँ मैंने जरा सी हींग डाली और साथ में काजू। अब हम काजू को थोड़ा सा भून लेंगे। आप चाहे तो काजू को फ्राई करके बाद में भी ऐड कर सकते हैं, बट चावल के साथ पके हुए थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, वो भी मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमारा पूरा तड़का तैयार है और इसमें हम डाल देते हैं दाल और चावल। इसे हमने ड्रेन कर लिया था, ये देखिए अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। दाल चावल भिगोने के लिए जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं उसे हमें फेंकना नहीं चाहिए, उसे हमें प्लांट्स के लिए रख लेना चाहिए। तो यहाँ पे मसालों में सिर्फ नमक जाएगा। फिर मुझे गर्मी के दिनों में खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, ऐसे भी मैं खिचड़ी बनाती हूँ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई बीमार है तभी खिचड़ी बन रही है, ऐसे भी बन जाती है, बहुत अच्छी लगती है। थोड़े से हमने इसमें करी पत्ता डाले हैं और अब हम यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 कप पानी ऐड कर देंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है तो थोड़ी पतली पतली बने। और अब हम लिड को बंद कर देते हैं और खूब सारी सीटियां होने देते हैं। यहाँ पे हम 4 से 5 सीटी लगाएंगे, उसके बाद भी धीमी आंच पे इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। इसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनके तैयार हो गई है, और उसके ऊपर से घी, घी और प्यारी सी खिचड़ी, बिल्कुल परफेक्ट है समर के लिए। और लास्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि हम परंतु प्रेशर कुकर में रेगुलर राइस कैसे बनाएंगे। तो रेगुलर यानी रोज खाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ सोना मसूरी। सोना मसूरी को भी हमें अच्छे से पहले धो लेना है और उसके बाद में इसे 20 से 30 मिनट के लिए भिगो देना है। आप इसे चाहें तो डायरेक्ट प्रेशर कुकर में डाल के भी चढ़ा सकते हैं, बट भिगो लीजिए तो अच्छा रहता है, पर कई बार जल्दी में मुझे भी डायरेक्टली बनाना पड़ता है। तो यहाँ मैंने प्रेशर कुकर में चावल डाल दिए हैं, साथ में डालेंगे पानी। 1 कप चावल के लिए 2 कप पानी लगता है और 1 चम्मच में इसमें घी डालूंगी। इससे चावल का जो होता है वो ऊपर नहीं आता और चावल बहुत ही अच्छे खिले खिले बनते हैं। ये एक एवरग्रीन रेसिपी है हमारे बोरोसिल प्रोंदो प्रेशर कुकर की तरह, जो आता है 5 इयर्स वारंटी के साथ में। तो ये देखिए यहाँ पे प्रेशर को अपने आप रिलीज होने दीजिए, चावल बनके एकदम तैयार है, एकदम खिले खिले बढ़िया चावल बने हैं। आप इसे रेगुलर में दाल चावल के साथ खाइए या कढ़ी चावल के, बहुत अच्छे लगते हैं। सो गाइस, ये थी हमारी आज की रेसिपीज एंड आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा, साथ ही भी लिखिएगा कि आप कौन सी और रेसिपीज देखना चाहते हैं। और हमारे प्रेशर कुकर की ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ पे मैंने लिंक डाला हुआ है। आप बोरोसिल की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको प्रेशर कुकर्स के साथ में डिनर सेट्स एंड बहुत कुछ और देखने के लिए मिलेगा जो बहुत ही अमेजिंग है, तो आप ज़रूर से चेक कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई रेसिपीज़ के साथ में, कुछ नई बातों के साथ में। फिलहाल के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग फूड फॉर फूडीज।